ग्रीटिंग्स फ्रॉम हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया। आज का टॉपिक है पेट में गैस। अक्सर लोग बर्प करते हैं और पेट में गैस बनती है, डिस्टेंशन होता है, ब्लोटिंग होती है या नीचे से फ्लेटस पास करते हैं। डॉक्टरों के पास इधर उधर भागते हैं, अल्ट्रासाउंड कराया, गलती से अगर उनका गॉल ब्लैडर स्टोन निकल आया तो सर्जरी के लिए चले जाते हैं और बाद में जाके बर्पिंग वैसे की वैसी रहती है। कई बार ये बर्पिंग हार्ट अटैक का निशान भी हो सकती है, एंजाइना का निशान भी हो सकती है, अगर खासकर उनकी बर्पिंग जो है एग्जर्शन के ऊपर में आती है। बट अक्सर जो पेट के अंदर में गैस बनती है, इसका इलाज सिंपल फॉल्टी लाइफस्टाइल के अंदर में उसको करेक्ट करने से है। जो चीज खाने की दो बराबर टुकड़े हो जाते हैं, जैसे दालें, जैसे बादाम, जैसे अखरोट, जैसे मटर, जैसे छोले, जैसे राजमा, इनको अगर आप पकाते हो और अगर आपने पहले उसको पानी में नहीं भिगोया तो आगे जाके इसमें गैस बन सकती है। इनको या तो 12 घंटे पानी में भिगो, फिर उसको उबाले या उसको पकाओ, या फिर इसके अंदर में हींग डाल दो, अदरक डाल दो, तो फिर गैस इसमें नहीं बनती। इसके अलावा जो खाने की चीज जमीन के नीचे है, जैसे आलू, जैसे मूली, जैसे गाजर, इसको कच्चा खाओगे तो गैस बनती है। इसलिए मूली गाजर को या तो उबाल के खाते हैं या फिर आप उसको 12 घंटे पानी में भिगो के फिर आप काट के खाएंगे तो आपको वो बदबू नहीं मिलेगी, ना आपको वो गैस बनेगी पेट के अंदर में। जो सब्जियां सरफेस पे ग्रो करती हैं, जैसे गोभी है, कॉलीफ्लावर है, पत्ता गोभी है, इनको अगर आप कच्चा खाओगे तो इससे भी गैस ज्यादा बन सकती है। मिसमैच ऑफ फूड ऑल्सो कॉज गैस, यानी कि अगर आपने एक फर्मेंटेड खाने को नॉन फर्मेंटेड खाने के साथ में रात के समय जब हमारी डाइजेस्टिव फायर वीक है उस टाइम पे खाओगे तो हमारे शरीर में प्यूट्रिफिकेशन होके गैस बन सकती है। सो गैस का इलाज ओमिप्रिजॉल नहीं है, गैस का इलाज एंटासिड्स नहीं है। पहले अपने लाइफ स्टाइल में देखो कहाँ गलती कर रहे हो, उस लाइफ स्टाइल को ठीक करो। अगर आपको दूध से गैस हो रही है तो दूध को 3 बार उबालो, उससे भी फर्क ना पड़े तो अदरक डाल के 3 बार उबालो, हो सकता है आपको इससे गैस ना बने। धन्यवाद।